पहाड़ों की रानी मसूरी में पर्यटन सीजन शुरू होने को है। वहीं मसूरी में लगातार लग रहे जाम को लेकर प्रशासन और पुलिस कार्य योजना बना रही है। मसूरी के कई मुख्य चौराहों पर कई जगह बोतल नेक होने के कारण जाम से निजात नहीं मिल रहा है, जिस कारण मसूरी में कई जगह से यातायात व्यवस्था को सुचारू किए जाने को लेकर ट्रैफिक को डायवर्ट किया गया है। वहीं मसूरी देहरादून मार्ग पेट्रोल पंप के पास 32 करोड़ की लागत से बनी पार्किंग को संचालित किया जाना भी प्रशासन और पुलिस के लिए चुनौती बना हुआ है। ऐसे में प्रशासन द्वारा पार्किंग संचालित किए जाने को लेकर एक ठेकेदार को ठेका दे दिया गया है। वहीं उसको निर्देशित किया गया है कि पार्किंग से मसूरी तक यात्रियों को भेजने के लिए शटल सेवा भी उपलब्ध कराए। मसूरी की यातायात व्यवस्था को व्यवस्थित किए जाने को लेकर एसपी ट्रैफिक अक्षय कोंडे ने मसूरी के प्रमुख चौराहों का निरीक्षण किया। एसपी ट्रैफिक अक्षय कोंडे ने कहा कि मसूरी में पिक्चर पैलेस और लाइब्रेरी चौक दो मुख्य चौराहे हैं, जहां पर अक्सर जाम की समस्या रहती है, क्योंकि दोनों चौराहों पर इंफ्रास्ट्रक्चर की दिक्कत है, जिस वजह से सड़क काफी सक्रिय है, जिससे दो गाड़ियां आपस में क्रॉस नहीं कर पाती। अक्षय कोंडे ने कहा कि मसूरी पेट्रोल पंप पर बनी 32 करोड़ की मल्टी लेवल पार्किंग को संचालित करना एक बहुत बड़ी समस्या है। मल्टी लेवल पार्किंग को संचालित किए जाने को लेकर मुख्य सचिव द्वारा निर्देशित किया गया है, परंतु मसूरी टैक्सी कार एसोसिएशन इसमें सहयोग नहीं कर रही है। अक्षय कोंडे ने कहा कि पर्यटन सीजन में रोज करीब 4500 से 5000 वाहन मसूरी आते हैं, वहीं स्थानीय लोगों के भी वाहन हैं, इससे करीब 7000 वाहन हो जाएंगे और मसूरी में सिर्फ 1700 से 1800 गाड़ियों की ही पार्किंग है। इसीलिए मसूरी में जाम ना लगे और लोग सड़क किनारे वाहन पार्क ना करें, इसको लेकर पुलिस द्वारा पीपीपी मोड पर कई क्रेनों को किराए पर लिया गया है, जिनके माध्यम से सड़क किनारे पार्क किए गए वाहनों को उठाने का काम किया जा रहा है। मसूरी की बात की जाए तो बेसिकली जो हमारा लाइब्रेरी चौक है और जो पिक्चर पैलेस है, ये मेन मुख्य दो बॉटलनेक है। इनमें सबसे बड़ा कारण तो इंफ्रास्ट्रक्चरल बॉटलनेक से कि दो गाड़ियां क्रॉस नहीं कर पाती। दूसरी चीज एक पार्किंग का इशू है। पार्किंग को लेकर हमने लगातार प्रयास किए, इवन जो किंग क्रेक पे पार्किंग बनी है, लेटेस्ट चीफ सेक्रेटरी साहब के आदेश अनुसार वो टैक्सीज के लिए फ्री भी की गई है। फिर भी कहीं ना कहीं लोकल्स में मैं कहूँ या लो स्थानीय टैक्सी चालक है, इनमें कहीं ना कहीं चीज को लेके या उस अरेंजमेंट को लेके अभी पूरी सहमति नहीं बन पा रही है। तो ये तभी हो पाएगा जब सारे स्टेक होल्डर जो है वो उसमें सहमति दिखाए। तो लगातार प्रयास चालू है। जो वन वे हम चला रहे हैं, जब भी हमने लाइब्रेरी चौक से क्यू अगर सर्टेन लेवल पे आईटीबीपी के तक होती है तो जो वन वे हम वेवरली स्कूल से चलाते हैं वो काफ़ी सक्सेसफुल रहा है। और मसूरी में ट्रैफिक दिखता है पर पुलिस जगह जगह पे तैनात है, और ये कंजेशन है, ये चौकिंग नहीं होती है, ये एक मैं कहूँगा एक अचीवमेंट है। और क्यू लगेगी क्योंकि आज के दिन पे जिस दिन पे वीकेंड है उसमें लगभग 4500 से 5000 व्हीकल मसूरी में आती है, और ऑफिशियली हमारे पास प्राइवेट और सरकारी मिलकर 1700 से 1800 गाड़ियों की पार्किंग है। अक्षय कोंडे ने कहा कि जिन लोगों की होटलों में बुकिंग होगी और होटल में पार्किंग उपलब्ध है, उनको मसूरी बिना रोक टोक के जाने दिया जाएगा। वहीं जिन लोगों की होटल में बुकिंग है मगर उन लोगों की होटल में पार्किंग नहीं है, उनको पेट्रोल पंप पार्किंग पर ही रोका जाएगा और उनको शटल सेवा के माध्यम से उनके गंतव्य तक छोड़ दिया जाएगा। पर थैंक्स टू शासन इस बार जो निर्णय लिया गया है, इसमें जो ठेकेदार है पार्किंग का, उनको ये बाइंडिंग किया गया है कि शटल सर्विस वो प्रोवाइड करेंगे वहाँ से। तो एज एंड व्हेन नीडेड हम लोग कंपल्सरीली गाड़ियाँ वहाँ पे पार्क करेंगे। जो भी व्यक्ति जिसकी होटल में बुकिंग ना हो या ऐसे होटल में बुकिंग हो जिसकी कोई पार्किंग ना हो, या मॉल रोड का कोई होटल हो जिसमें नो एंट्री के समय में कोई गाड़ी नहीं जा सकती है, उनकी गाड़ियाँ कंपल्सरी किंग क्रेक पे पार्क की जाएगी और उनको शटल सर्विस से ऊपर लाइब्रेरी पॉइंट तक छोड़ा। ट्रैफिक की सीपीयू की अतिरिक्त टीम यहाँ पे है, क्रेन अतिरिक्त टीम यहाँ पे है, होमगार्ड अतिरिक्त तरीके से यहाँ पे लगाए गए, और एसएसपी सर द्वारा कुछ कांस्टेबल्स भी एक्स्ट्रा यहाँ दिए। मध्य प्रदेश की महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के उद्देश्य से संवेदनशील मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना का उपहार सभी पात्र महिलाओं को दिया गया है। इसके तहत उन्हें प्रतिमाह 1000 रूपए दिए जाएंगे। ये राशि सीधे उनके बैंक खातों में पहुंचाई जाएगी। योजना की प्रक्रिया बेहद सरल और निशुल्क है। योजना से जुड़ने के लिए बहनों को कहीं भटकने की आवश्यकता भी नहीं है। 10 जून को पहली किस्त बहनों के खाते में आ जाएगी, 1000 रूपया की पहली किस्त।
योजना से जुड़ी अधिक जानकारी हेल्पलाइन नंबर 07552700800 एवं वेबसाइट cmlaadlibehna.mp.gov.in पर प्राप्त की जा सकती है। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज़ आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।